Good morning friends, welcome back to my channel. Now today we will see the non-verbal communication. Non-verbal communication, there are verbal communication and non-verbal communication. So in non-verbal communication, today we will see behavior and element of speech aside from the words themselves that transmit meaning. Non-verbal communication include the pitch, speed, tone and the volume of voice, gestures, facial expression, body posture, stance, proximity to the listener, eye movement, eye contact, dress code, appearance. Research suggests that only the 5% effect is produced by the spoken word, 45% by the tone, inflection and other element of voice, and 50% by body language, movement, eye contact, etc. So what is a non-verbal communication? When you speak with the help of your body postures, gestures, eye contact, movement, dress code, which is known as a non-verbal communication, or a communication which is without using words and languages, किसी भी भाषा का words का उपयोग ना करके जो communication किया जाता है उसे non-verbal communication कहेंगे, जिसमें facial expression आएंगे, eye contact आएंगे. Suppose that someone is asking you a question and you just nodded your head, आपने आपकी सिर्फ गर्दन हिलाई, मुंडी हिलाई, तो वो हो गया नॉन, हाँ या ना में जब आप गर्दन हिलाते हैं तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ओके, सो इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देयर इज़ अ फर्स्ट बॉडी लैंग्वेज. सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी कैन एक्सप्रेस मेनी इंडिकेशंस विदाउट एनी साउंड. मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ आवर बॉडी मूवमेंट, विच इज़ कॉल्ड एज अ बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज इज़ अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विच कंसिस्ट ऑफ पोस्चर्स, जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन. इमेजिन दैट वेन यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स और ऑडियंस, ऑटोमेटिकली यूर हैंड स्विंग्स, यूर आई कॉन्टैक्ट, यूर बॉडी ऑटोमेटिकली, वेन यू आर कम्युनिकेटिंग, जब हम बोलते हैं तो हमारे पूरे फाइव सेंसेस और हमारे सेंसरी ऑर्गन भी काम करते हैं, हमारे आईज उसमें पार्टिसिपेट होते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन. वेन यू आर एंग्री अवर फेशियल एक्सप्रेशन इज डिफरेंट, वेन यू आर हैप्पी देन ऑल्सो अवर फेशियल एक्सप्रेशन आर डिफरेंट. सो इन बॉडी लैंग्वेज देर इज अ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज वर्क एज अ शोइंग द जेस्चर एंड जेस्चर. देन फेशियल एक्सप्रेशन, अ फेशियल एक्सप्रेशन इज वन और मोर ऑप्शन और पोजिशन ऑफ द मसल्स इन स्किन फेस. द मोमेंट कन्वे द इमोशनल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल टू ऑब्जर्व, सो विच इज नोन एज अ फेशियल एक्सप्रेशन. आफ्टर दैट वी विल सी एक्सप्रेशन फॉर हैप्पीनेस इज डिफरेंट, एक्सप्रेशन फॉर सैडनेस इज डिफरेंट, एक्सप्रेशन फॉर एंगर एंड फेयर ऑल्सो डिफरेंट. सो द प्रोवर्ब सेज फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड. हमने एक प्रोवर्ब तो सुनी है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, मतलब जो भी हमारे मन में है, जो हमारे माइंड में, वो हमारे चेहरे पर दिख जाता है. सो थ्रू द, जैसे हम अगर दुखी है, वी आर अपसेट, हम नाराज है, तो भी हमारे फेस से पता चलता है. सो द बाय वेविंग अवर हैंड्स वी एक्सप्रेस गुड बाय. जैसे हम कोई जा रहे हैं तो हम हाथ हिलाते हैं तो हम बाय कहते हैं, सो विच इज़ नोन एज अ एक्सप्रेशन. बाय शेकिंग अवर हेड फ्रॉम साइड टू साइड वी एक्सप्रेस वी डोंट नो, जैसे मुझे पता नहीं है, जैसे इसके बोलने के लिए हम हमारी गर्दन हिलाते. देन जेस्चर्स, जेस्चर्स रेफर टू विजिबल बॉडीली एक्शन, कम्युनिकेट पर्टिकुलरली मैसेज विच इंक्लूड द मोमेंट ऑफ द हैंड्स, फेस, आइज, हेड और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. सो व्हाट आर द जेस्चर्स, जेस्चर्स वो है जो विजिबल बॉडी कम्युनिकेट करती है. तो कुछ मोमेंट्स उसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे फेस पे एक्सप्रेशन, आईज ब्लिंक करना, हेड हमारा हाँ ना में हिलता है. अवर बॉडी पार्ट्स आर टेक पार्ट इन कम्युनिकेशन. कॉमन जेस्चर्स इंक्लूड द वेविंग, जैसे हम बाय बोलना है तो मुंह से बाय के बिना अगर हाथ भी हिलाता है तो हम समझ जाते हैं. किसी को हम बेस्ट ऑफ लक करें तो हम थंब दिखाते, इट मीन्स वी आर गिविंग हिम द बेस्ट लक. इंक्लूडिंग द राइटिंग, पॉइंटिंग, यूजिंग द फिंगर टू इंडिकेट न्यूमरिक अमाउंट, जैसे हमने चार बताना है, फोर नंबर हमें बताने, तो हम चार ऐसे फिंगर्स दिखाएंगे, सो वी अंडरस्टैंड इट इज़ अ फोर हैंड वेव यूज इन अ वेस्टर्न कल्चर और द हेलो, गुड बाय, एक्सेट्रा. जेस्चर के बाद आता है पोस्चर्स. पोस्चर्स इंडिकेट द पोजिशन इन विच वी होल्ड द बॉडी वेन स्टैंडिंग और सेटिंग. कैन हेल्प टू कम्युनिकेट नॉन वर्बली. कंसिडर द फॉलोइंग एक्शन ऑन नोट कल्चर डिफरेंस. बोइंग डाउन क्रिटिसाइज और अफेक्टेड इन शोइंग रैंक इन जापान. देन स्लॉसिंग रूड इन मोस्ट नॉर्दर्न यूरोपियन एरिया. हैंड
हैंड्स इन पॉकेट डिसरिस्पेक्टफुल इन टर्की, मतलब हाथ अगर आप अपने पॉकेट में रख के बात करते हैं तो समझा जाता है कि जैसे डिसरिस्पेक्टफुल है टर्की में। सिटिंग विथ लेग्स क्रॉस ऑफेंसिव इन गोआना एंड टर्की। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द पोस्चर्स, अलग अलग। अगर हम चेहरे पे पूरा एकदम रिंकल्स ला के खड़े हैं, सो इट मीन्स नॉट यू आर नॉट हैप्पी। सो दिस काइंड ऑफ द पोस्चर्स। देन आई गेज और आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट इंडिकेट्स द लुकिंग, स्टार्टिंग एंड ब्लिंकिंग इट्स, विच इज इम्पॉर्टेंट नॉन वर्बल बिहेवियर। लुकिंग एट द अनदर पर्सन कैन इंडिकेट द रेंज ऑफ इमोशंस, इंक्लूडिंग हॉस्टाइल अटेंशन, इंटरेस्ट एंड अट्रैक्शन। डिफाइंस पावर एंड स्टेटस एज द सेंट्रल रोलिंग मीनिंग एक्सप्रेशन ऑफ द अदर्स। इट मीन्स दैट आई कॉन्टैक्ट इंडिकेट्स लुकिंग एंड स्टेयरिंग एंड ब्लिंकिंग। When we blink your eyes, जब हम आँखें पलके झपकाते हैं, हम indication इशारा करते हैं आँखों से भी बात करते हैं। When you are statue, कोई अगर हमें statue करता है और हम आँखों से इशारे करें, so it is eye contact। या समझो कि क्लास में टीचर पढ़ा रही है और चुपके से हम हमारे फ्रेंड को इशारा करते हैं आँखों से कि कब छूटेगी क्लास है और getting bore हो रहा है, so this is eye contact। Then appearance and dress, external appearance also play a vital role in communication others। Our close dress provide a good, जैसे कि हम किसी इंटरव्यू को जा रहे हैं तो पता है कि हमें फॉर्मल, हमारा ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, एक फॉर्मल होना चाहिए। इट इज़ इफेक्टिव रहता है। व्हाई? बिकॉज इट इज़ अपीयरेंस एंड ड्रेस आल्सो टेक पार्ट इन द कम्युनिकेशन। सपोज दैट किसी अगर इंटरव्यू को जा रहे हैं और हमने ऐसे कपड़े पहने जैसे किसी शादी के सेलिब्रेशन में हमें जाना है, या आप किसी शादी सेलिब्रेशन में चले गए और वहाँ पे अपने फॉर्मल कपड़े पहने, इट्स नॉट डन। तो आपका ड्रेस कोड एंड अपीयरेंस आल्सो टेक पार्ट इन कम्युनिकेशन। इट इज़ आल्सो नोन एज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देन टच। टच इज़ कल्चरली डिटरमाइंड, बट ईच कल्चर हैज़ अ क्लियर कंसेप्ट ऑफ वट पार्ट ऑफ द बॉडी वन मे नॉट टच। ओके, बेसिक मैसेज ऑफ टच इज अफेक्ट द कंट्रोल, प्रोटेक्ट, सपोर्ट दैट हग केस। सपोज अवर मॉम हगस और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हग, द हग एज अ डिफरेंट। जैसे मम्मी हमें हग करती है, प्यार से हग करती है, एक डिफरेंट हग है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हग करते हैं, सो डिफरेंट हग है। जब हम कोई कप जीतते हैं, हम टूर्नामेंट जीतते हैं और मम्मी ने आके हमारे फोरहेड पे किस कर दिया, तो इज द किस इज डिफरेंट। एंड वेन द बिलवेड एंड बिलव्ड किसिंग, इट डिफरेंट किस। सो दिस इज अ टच। हैंडशेक इज व्हेन समवन पैट ऑन यूर बैक, जो कोई आपकी पीठ पे थपथपाता है, दैट टच इज डिफरेंट। एंड इफ द वी फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ अ टच इट, हमें समझ में आता है कि कौन से टाइप का ये टच है। ओके, आफ्टर दैट द साइलेंस। साइलेंस इज अनदर फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विच एक्सप्रेस द पॉजिटिव और निगेटिव मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर मैसेज इन क्लासरूम। साइलेंस इंडिकेट द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली एंड अटेंटिवली। सपोज दैट अगर हम किसी से गुस्सा है मम्मी से, तो हम बात करना बंद कर दे, तो वो साइलेंस वर्क कर, या मम्मी हमसे नाराज है तो हमसे बात करना बंद कर देते हैं, मतलब साइलेंस में भी वो हमसे कम्युनिकेट करती है। साइलेंस ऑल्सो इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ, साइलेंस भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक फॉर्म माना जाता है। उसके बाद आता है स्पेस और प्रॉक्सिमिटी। पीपल ऑफन रेफर टू देयर नीड फॉर द पर्सनल स्पेस, विच आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पीपल ऑफन रेफर्स टू देयर नीड ऑफ पर्सनल स्पेस, हर किसी को अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए। ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन यू एंड अदर सिंगल्स यू लेवल ऑफ इंटीमेसी एंड कम्फर्ट। इफ यू डोंट नो स्टैंड टू क्लोज टू टचेस टू ऑफन, यू विल प्रोबेबली बिगेन टू फील अनकम्फर्टेबल। आफ्टर दैट वन मोर थिंग इज दैट टाइम। Another type of non-verbal communication involved is a time. How? That is how given meaning to time communicate to other. For example, being late, it's work. Everybody, a worker can be considered as a man of carelessness, but in manager does it. So it is symbol of power. ओके, जब अगर किसी ऑफिस में आप काम करते हो और आप हमेशा लेट जाते हैं, तो लोगों को लगने लगता है कि आप लेजी पर्सन हैं, आप बिल्कुल ही आपके जॉब के बारे में केयरफुल नहीं है, आप एक केयरलेस पर्सन हैं। ये एक आपका डेफिनेशन बन जाता है, मतलब टाइम पे आता है या नहीं आता है, इस कॉन्सेप्ट से भी आपका एक करेक्टर डिस्प्ले होता है। सो टाइम ऑल्सो नोन एज अ, मतलब बिना बोले ही लोगों को, आपने बोला नहीं कि मैं केयरलेस हूँ, फिर भी लोगों को समझ में आता है कि आप केयरलेस हो, क्योंकि आप कभी टाइम पे नहीं पहुँचते हो। तो टाइम इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देन paralinguistic tone and volume of the voice. Now the paralinguistics refer to the vocal communication that is separate from the actual language. Paralanguages also include such as characteristics as rate of speed of speaking, pitch,
देन इन्फ्लेशन वॉल्यूम एक्सेट्रा, जैसे कि आप बोलना कुछ और चाहते हैं बट मीनिंग आपका कुछ और है, जिस वजह से आपने बोला है उससे अलग मीनिंग निकलता है. वर्बल कैरेक्टराइज दैट लाफ, क्राई, एल मैन, वाइन ब्रेच, यान, यस, दीज आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द दैट. देन वोकल क्वालिफायर्स ऑल्सो, योर स्पीच एंड वैल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्पो एंड टोन ऑफ योर स्पीकिंग इज इम्पॉर्टेंट. लाउडनेस इंडिकेट द स्ट्रेंथ इन अरेबिक कल्चर, अरेबिक कल्चर में जोर से लाउडली बोलना एक इंडिकेट करता है ताकत को. एंड सॉफ्टनेस इंडिकेट द वीकनेस, मतलब अरेबिक टोन में जब वो लाउडली बोलेंगे तो बोलेंगे स्ट्रांग है, और अगर उसकी लो वॉइस है तो उन कल्चर में माना जाता है इंडिकेट द वीकनेस. देन इंडिकेट द कॉन्फिडेंस एंड अथॉरिटी टू द जर्मन, लाउडली बोलना या सॉफ्टली सॉफ्ट मैनर के साथ बोलना जर्मन में कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी की निशानी मानी जाती है. सो द बट इन द अदर द लॉस ऑफ कंट्रोल इन द जापनीज, बट आप बहुत जोर जोर से चिल्लाए तो जापनीज समझते कि आप क्या है, आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया है. सो इट इज़ नोन एज अ पैरा लैंग्वेज. ये समझो कोई दुबला पतला इंसान आ रहा है और हम कहते हैं कि देखो कितना मोटा है, इट इज़ नोन एज अ पैरा लैंग्वेज. ओके, सो दीज आर द फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी. थैंक यू.